जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय श्री राम। और आज हम बात करेंगे एरीज के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई अगस्त और सितंबर का क्वार्टर। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए, बहुत टाइम लग गया मुझे आपकी रीडिंग तक पहुंचने के लिए। और अभी भी टॉरस और जेमिनी रहता है जो मैं कोशिश करूंगी मैं एक दो दिन में कवर कर दूं। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि के लिए जुलाई अगस्त सितंबर का महीने कैसे रहने वाले हैं, उनकी गाइडेंस क्या है और एस्ट्रोलॉजिकली क्या चेंजेस होने वाले हैं या किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप सन मून राइजिंग यानी सूर्य राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि जैसे भी आप कनेक्ट करते हैं एरीज से, उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। तो सबसे पहले जुलाई का महीना, जुलाई का महीना जो है आपके लिए एक पॉजिटिव मंथ मुझे लग रहा है। ट्रैवल की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, टुगेदरनेस की एनर्जी है, कनेक्टिविटी की एनर्जी है। सबसे पहले हेल्थ को लेकर मैं बोलूँगी, अपनी फिजिकल हेल्थ स्पेशली द बॉडी पार्ट ऑफ इट, उसका ध्यान रखना है। लोअर बॉडी में, लेग्स में किसी तरह का पेन या कोई इशू जो है वो हो सकता है। स्पेशली जो आपके काफ मसल्स हैं उनमें किसी तरह का पेन या इशू हो सकता है, या आपके पोस्चर की वजह से, ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से या अनकम्फर्टेबल स्पेस पर खड़े रहने की वजह से कुछ इशू हो सकता है। सिमिलरली नेक या शोल्डर और आर्म में भी इशू हो सकता है, तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है। अपनी डाइट का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, डाइजेस्टिव हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर डाइजेस्टिव हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा अगर ऑर्गेनिक फूड लेंगे या नेचुरल फूड लेंगे और वाटर इनटेक का ध्यान रखेंगे तो वो ठीक हो जाएगी। आपने कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट जो आपने खाना है उसको बहुत अच्छी तरह से धो के, वॉश करके, अच्छी तरह से साफ करके खाना है, नहीं तो उसकी वजह से डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। एक्सरसाइजिंग, योगा, डांसिंग, ये तीनों चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। फिजिकल कनेक्ट थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ, और फिज़िकली जब लोगों के साथ मिलोगे भी हग करना या हैंडशेक करने से नमस्ते जो है उसको ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, क्योंकि फिज़िकल कनेक्ट से भी किसी तरह का इशू जो है वो ट्रांसफ़र होने की संभावना मुझे दिखती है। जुलाई का महीना आपके करियर के लिए पॉजिटिव रहेगा, मुझे आगे बढ़ने की एनर्जी दिखाई देती है। कुछ काम जो आपने पास्ट में किए थे वो आपके लिए सीढ़ी की तरह काम करेंगे, पर आपकी विल पावर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। जितनी स्ट्रांग आपकी विल होगी, जितना स्ट्रांग आप अपने आप को डेडिकेटेड रखोगे अपने वर्क की तरफ, प्लस जितने अच्छे से आप टीम वर्क में काम करोगे, दूसरों को सपोर्ट करना और दूसरों से सपोर्ट लेना, उतना ही अच्छा ग्रोथ के चांसेस जो हैं वो आपको मिलेंगे। और रिलेशनशिप्स में भी टुगेदरनेस की एनर्जी, एक दूसरे का सपोर्ट लेना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना मुसीबत मुश्किल के टाइम में, या एक दूसरे को बोल के फिज़िकली या इमोशनली सपोर्ट करना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है रिलेशनशिप्स को बेहतर करने के लिए। तो रिश्तों को लेकर जितना आप सपोर्टिव रहेंगे, जितना एक दूसरे का साथ देंगे, उतने ही ज़्यादा रिश्ते बेहतर होंगे। नया रिश्ता बनना, मैरिज की एनर्जी, चाइल्ड की एनर्जी, ये सारी एनर्जीज जो हैं जुलाई के महीने में दिखाई दे रही हैं। प्लस किसी तरह की सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आना, उसकी एनर्जी भी जुलाई के महीने में दिखाई दे रही है। मनी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्टेबिलिटी है, और ओवरऑल किसी तरह की गुड न्यूज़, किसी तरह की सेलिब्रेशन, किसी तरह का पॉजिटिव आउटकम जो है उसके आने की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग अगर भारत के बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे तो उसकी पॉसिबिलिटी भी काफ़ी स्ट्रांग बनती है, तो ट्रैवल की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग जो है वो आपके कार्ड पे दिखाई देती है। तो जुलाई का महीना जो है ओवरऑल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने में येलो कलर, स्किन कलर, बेज कलर, लाइट कलर जो है आपके लिए अच्छे रहेंगे। ग्राउंडिंग आपने ज़रूर करनी है, और वाटर, पानी के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है पानी को लेकर, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो यूज़ करने का पानी हो, थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पानी के कारण किसी तरह की कोई इन्फेक्शन या कुछ हो जाए उसकी पॉसिबिलिटी बनती है। अब बात कर लेते हैं अगस्त के महीने की। अगस्त का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, एक पानी की एनर्जी, वाटर एनर्जी मुझे आपके लिए अगस्त के महीने में भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो हो सकता है आप भारत के किसी ऐसे हिस्से में या वर्ल्ड के किसी ऐसे हिस्से में रहते हों जहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अराउंड द वर्ल्ड ट्रैवल की पॉसिबिलिटी भी बनती है, तो अगर आप भारत में रहते, किसी दूसरे देश में रहते हैं तो भी किसी और जगह ट्रैवल करने की पॉसिबिलिटी बनती है। यहाँ पर वाटर की एनर्जी, तो आपके आसपास कहीं वाटर लॉगिंग हो जाए या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाए या घर में पानी भर जाए किसी कारण से, उसकी एनर्जी भी मुझे जुलाई अगस्त में काफ़ी स्ट्रांग दिखाई देती है। अब अगस्त का महीना जो है ये बैलेंस का महीना है, ये मल्टीटास्किंग का महीना है, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, और अपने आप को जितना अच्छे से बैलेंस रखोगे उतने अच्छे से आप हर चीज़ को अंजाम दे पाओगे। तो जस्ट बी इन दैट बुद्धा एनर्जी, इनलाइटनमेंट की एनर्जी है, स्पिरिचुअली बहुत अच्छी एनर्जी है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की एनर्जी है,
इमोशनल इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा, तो स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। हेल्थ को लेकर सबसे पहले बोलूँ तो हेल्थ को लेकर मुझे हार्मोनल हेल्थ पे थोड़ा सा इशू दिखाई देता है, तो अपने हार्मोनल बैलेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और अगर आपको पीरियड्स में लेकर कोई डिस्कम्फर्ट होता है या पीरियड्स के अराउंड कोई डिस्कम्फर्ट या प्रॉब्लम होती है तो आपने चेक ज़रूर करवा लेना है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये बहुत ज़रूरी रहने वाला है। दूसरा, अगर आप ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा, अराउंड द नेक और अराउंड द फीट या आर्म्स में भी किसी तरह की ज्वेलरी जो है उसको पहनना, आपको बैलेंस देगा वो और आपको खुद को भी बहुत अच्छा लगेगा। ब्यूटिफाई करेंगे अपने आप को या अपने आप को अच्छे से तैयार करेंगे तो आप पॉजिटिव फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। कई बार हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से इंसान थोड़ा सा डिप्रेस्ड या फियरफुल फील करता है, तो अगर आप अपने आप पर थोड़ा सा काम करेंगे तो आप वो डिप्रेशन फील वाली एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाएंगे, प्लस आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो कर पाएंगे। रिलेशनशिप वाइज बैलेंस में बात करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग है, ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए आपको अवेलेबल रहना पड़े, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की आपको केयर करनी पड़े, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करना पड़े और अपनी एनर्जी, दूसरों की एनर्जी, अपना काम, दूसरों का काम, सब के बीच में आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़े, अपने आप को अवेलेबल रखना पड़े। इस सारी चीज़ों के बीच में खुद के साथ खुद का रिलेशनशिप जो है उसको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। जितना आप इंटरनली अपने आप को बैलेंस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को काम रखेंगे, कंपोज रखेंगे, उतना ज़्यादा अच्छे से आपकी अवेलेबिलिटी भी होगी, आप दूसरों की मदद भी कर पाएंगे, सबको नर्चर भी कर पाएंगे और खुद को भी नर्चर कर पाएंगे। तो ये जो महीना है इसमें आपको जितना भी समय मिले, चाहे 2 मिनट मिले, आपने शांति से चुपचाप अपने आप के साथ बैठना है, ग्राउंडिंग करनी है या मेडिटेशन करनी है, 2 मिनट भी आप साइलेंट मेडिटेशन करेंगे वो भी बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन करनी ज़रूर है। करियर को लेकर भी मल्टीटास्किंग की एनर्जी है, हो सकता है आपको एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़े, हो सकता है एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं, हो सकता है टीम के साथ आपको ज़्यादा हेल्प करनी पड़े, मल्टीपल टीम्स को सपोर्ट करना पड़े, या पढ़ाई में आपको जितना आपने सोचा था उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है। लेकिन यहाँ पर लिटरली एनर्जी, क्योंकि बुद्धा एनर्जी है, इट इज़ ऑल अबाउट आपका एक कदम स्टेबल हो तो दूसरा कदम उठाइए। आपको अपने आप में इनर बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने आप में इमोशनल बैलेंस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप उस बैलेंस के साथ चलते हैं तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए मुमकिन ना हो। तो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ भी लेकर आ रहा है, लेकिन इनर बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको पैरों में किसी भी तरह का मॉइस्चर से, टोज़ में किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन, उसकी पॉसिबिलिटी भी बनती है, और अगर आपको पैरों में दर्द हो या लोअर बॉडी में आपको पेन फील हो तो आप थोड़ी देर के लिए अगर गर्म पानी या ठंडे पानी मौसम के हिसाब से उसमें पैर डाल के थोड़ी देर बैठेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ जो है वो मिलेगा। इस महीने मैं आपको बोलूँगी, जैसे पिछले महीने मैंने आपको बोला कि फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी रहेगी, इस महीने रेस्ट करना थोड़ा सा और मेडिटेशन करना थोड़ा सा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। रेड, ग्रीन, स्किन पिंक, ये कलर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। मल्टीटास्किंग की एनर्जी है और जितना ज़्यादा आप बैलेंस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, सारी चीज़ों के लिए बहुत पॉजिटिव महीना है। अब देख लेते हैं सितंबर, और सितंबर की एनर्जी जो है, आप एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, ये क्वार्टर आपके लिए बहुत पावरफुल है। क्यों? तीनों ही कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं। मेजर आर्काना आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस दिखाता है, जो बड़े लेवल पे होते हैं, जो डिवाइन के फ्लो से होते हैं, जिनको भगवान अपने हिसाब से चलाता है, उन चेंजेस को बताता है, और ये आपकी लाइफ में बड़े बदलाव लेकर आता है। तो लिटरली तीनों कार्ड मेजर आर्काना के हैं। सितंबर का महीना जो है आपके लिए अगेन बहुत पावरफुल महीना है, पर यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा। सबसे पहले मैं हेल्थ को लेकर बोलूँगी, अगर आपको कोई भी क्रॉनिक इशू है, बैक का हो या कोई भी क्रॉनिक हेल्थ का इशू, कोई भी क्रॉनिक इशू है, तो वो यहाँ पर एग्रीवेट हो सकता है और आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा। जौ का, अपने टीथ का, डेंटल हेल्थ का, और बैक, स्पाइन, पोस्चर, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये महीना आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा सा तंग करेगा, जो अंदर सप्रेस्ड आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं ना, वो इस महीने में बाहर निकलना शुरू होंगे। लेकिन अच्छा पार्ट ये भी है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो एड्रेस भी होंगे, और अगर आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखोगे तो आप उन सारे इश्यूज़ को अच्छे से एड्रेस कर पाओगे, पॉजिटिवली एड्रेस कर पाओगे और हील भी कर पाओगे। ठीक है,
अब रिलेशनशिप्स की बात करें तो रिलेशनशिप्स में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ना हो जाएं, अपने शब्दों को बहुत माप तोल के बोलना पड़ेगा। प्लस एट टाइम्स आपको रिश्तों में या लोगों के साथ इस तरह से भी डील करना पड़ेगा जहाँ पर कोई अगर बहुत बड़बोला है या बहुत सारी गलत चीज़ें बोलता है और आप उसको बर्दाश्त करते आ रहे हो, तो अब टाइम होगा उसका मुंह बंद करने का। तो आपको बहुत अच्छे वर्ड्स के साथ, बहुत अच्छे तरीके के साथ अपने आसपास के लोगों को हैंडल करना है, अपनी कम्युनिकेशंस को हैंडल करना है, लेकिन किसी को भी अपने ऊपर ओवर पावर नहीं होने देना है। सिमिलरली आपको अपनी इनर एनर्जी पर भी काम करना है। आपका माइंड आपको बरगलाएगा, आपके माइंड में अलग अलग किस्म की थॉट्स आएंगी, अचानक बहुत गुस्सा, अचानक बहुत फ्रस्ट्रेशन, अचानक मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ वाली एनर्जी। तो अपने आप को बहुत बैलेंस्ड और ग्राउंडेड जो है वो भी आपको रखने की ज़रूरत है। आपके माइंड के अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपके थॉट्स के अंदर की जो नेगेटिविटी है, आपके जो इनर वाइल्डनेस है, उसको अपने कंट्रोल में लेना जो है वो भी बहुत ज़रूरी होगा इस हफ्ते में, इस हफ्ते में नहीं, इस महीने में, तो सितंबर के महीने में। और इस महीने करियर को लेकर अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर भी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके करियर में एक थोड़ा सा स्टक फेज आए या कुछ लोग बहुत ओवर पावर हो जाएं या बहुत हावी हो जाएं आपके ऊपर। वर्क प्लेस पे आपने ध्यान रखना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी है जो आपको नहीं बोलनी चाहिए, और जहां पर आपको अपना स्टैंड रखना है, अच्छे वर्ड्स चूज़ करके अपना स्टैंड रखना है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी जहाँ पर कहीं कोई कुछ गलत कर रहा हो आपके पीठ के पीछे या आपके सामने, तो आपको अपना स्टैंड जो है क्लियर रखना है, अपनी बात जो है वो क्लियर बोलनी है, अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस करना है ताकि आपको कोई भी ओवर पावर या ओवर डोमिनेट ना कर पाए। बस चूजिंग द राइट काइंड ऑफ वर्ड्स, सब शब्दों का सही चुनाव वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मनी वाइज बहुत ओवर एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, बट अदरवाइज मुझे पॉजिटिव ही दिख रहा है। मनी गेन की एनर्जी है, मनी ग्रोथ की एनर्जी है। बस आप अपनी इनर स्ट्रेंथ जो है, अपनी इनर पावर जो है, उस पर भरोसा रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शब्दों का चुनाव सही से कीजिएगा और किसी को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ना किसी के ऊपर हावी होना है, ये आपने ध्यान रखना है सितंबर में। अदरवाइज ओवरऑल एनर्जी अच्छी है, ग्रीन रेड दोनों बहुत अच्छे रहेंगे। हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है और ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ग्राउंडिंग और हार्ट चक्रा की मेडिटेशन ये ज़रूर करनी है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप देखें ये क्वार्टर कैसा रहने वाला है, तो तुला की एनर्जी आई है। तुला जो है बैलेंस की एनर्जी होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम ओवर बैलेंस हो जाते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं करते हैं, हम ओवर डिप्लोमेटिक हो जाते हैं या हम पीपल प्लीजिंग एनर्जी में चले जाते हैं, दूसरों के लिए ही पूरी तरह डेडिकेटेड हो जाते हैं। और ये तीन महीने ऐसे हैं जहाँ पर लोगों के साथ इंटरेक्शंस हैं। अगस्त में अपने अंदर अपने आप के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो अगस्त में आपको ध्यान देना है कि आपको पीपल प्लीजिंग नहीं होना है। यहाँ पर लोगों के साथ बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, तो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेसी भी ना हो जाए और बहुत ज़्यादा ओवरलोड भी ना कर दो आप दूसरों को अपनी बातों से, बट बहुत ज़्यादा पीपल प्लीजिंग एनर्जी में भी नहीं जाना है। एक बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस क्वार्टर में अगर हो सके तो आप किसी ना किसी रिलीजियस प्लेस पे ज़रूर जाएं, अपने घर के आसपास ही कोई मंदिर है तो वहाँ ज़रूर जाएं, पानी के पास ज़रूर बैठें, फ्लावर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट करें, मेडिटेट ज़रूर करें, म्यूज़िक ज़रूर सुनें। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। प्लस अगर पंछियों को कुछ खाने के लिए दाना या कुछ डाल सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। पढ़ाई आपको बहुत हेल्प करेगी, लर्निंग या कोई भी ऐसी रिलीजियस चीज़ पढ़ना वो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। प्लस आपको साइंस दिखाई देंगे, तो अगर आपको बर्ड्स फेदर दिखाई देते हैं तो वो साइन होगा डिवाइन का कि वो आपके आसपास है, उसका सपोर्ट आपके आसपास है। या फिर आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आपको अपने आप को बैलेंस करना है, तो अपने आप को बैलेंस ज़रूर रखना है। गाइडेंस एनर्जी क्या है आपकी? ट्रुथ बी टोल्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी है, नंबर 14 की एनर्जी है। आउल है, अपना हार्ट उसने ओपन कर दिया है और वो सच बोल रहा है, सच बाहर निकाल रहा है, मास्क उतार रहा है, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आएगी और आपको भी अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा या आपको बहुत सारी सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अंदर अंदर पता होंगी। सही समय पर सही चीज़ बोलना, सही तरीके से अपना हार्ट खोलना, प्लस प्यार की एनर्जी जो है उसको इन्वॉल्व करके अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इस क्वार्टर में बैलेंस,
अपने आप को सही तरह से एक्सप्रेस करना, झूठ ना बोलना, झूठ में आना भी नहीं और झूठ की पोल खोल करना, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, अच्छे शब्दों के साथ, लविंग एनर्जी के साथ, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अपनी विजडम, इनर विजडम जो है, उसका ज़रूर उस पर ध्यान देना है। आउल की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी होती है, चीज़ों को ध्यान दे के देखने की एनर्जी होती है, अंधेरे में भी देख लेने की एनर्जी होती है। ओपन योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू सी अ लॉट दिस क्वार्टर। तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वार्टर है, बहुत पावरफुल क्वार्टर है। आप सिर्फ अपने आप को बैलेंस रखोगे तो बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे एरीज। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है मेरा, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर रीडिंग आपको हेल्पफुल लगे तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो सर्चेबल होती हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।